बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम सिरी का सालन यानी कि बकरे की मुंडी का सालन, ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस रेसिपी के लिए जिन अज़ा की ज़रूरत होगी वो आपको दिखाते हैं। ये हमने एक दरमियानी साइज़ की, मीडियम साइज़ की मुंडी ली है, इसे धो के कटवा लिया है। ये छिली हुई है, भुनी हुई मुंडी नहीं है, और इसे बहुत अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया है और धो के इसको थोड़े बड़े ही टुकड़े हमने किए हैं और बड़े टुकड़ों में कटवा के और इसमें रख लिया है। ये 2 अदद प्याज है, इसे स्लाइस में काट लिया है। और ये हमारे पास कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, इसमें है ये हमारे पास ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, ये शाह ज़ीरा है ये भी 1 टीस्पून है, और ये हमारे पास काली मिर्च है ये 10-12 लेंगे, ये अजवाइन है ये 1 टीस्पून अजवाइन हम डालेंगे क्योंकि ये बादी करती है, इसके लिए ये डालते हैं आप लोग, अगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालें या नहीं डालना चाहे तो कोई बात नहीं है। और ये हमारे पास है इलायची, हरी इलायची 4 अदद, एक काली इलायची है, 2-3 दालचीनी के टुकड़े है, ये 5 अदद लौंगे हैं, ये जावित्री का एक टुकड़ा है और एक तेज़पत्ता है। ये हम मसाले जो है बाद में ड्राई रोस्ट करके सालन जब हमारा तैयार हो जाएगा तब मिलाएंगे। अदरक लहसुन है हमारे पास 2 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़ायका हम यूज़ करेंगे। पाउडर मसालों में हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर, ये हमने लिया है 2 टीस्पून, ये काला मसाला है ये भी हमने 2 टीस्पून लिया है, हल्दी 1 टीस्पून ली है, और धनिया पाउडर जो है ये 2 टीस्पून लिया है। इसके अलावा हमें लगेगा तेल, और गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना सिरी का सालन। नाज़रीन, हमने एक मिट्टी की हांडी यहाँ पर रखी है और इसमें हमने 100 ml के करीब ऑयल डाल दिया है। वैसे भी सिरी में बहुत ऑयल होता है, मतलब बहुत चिकना होता है इसके अंदर इसका गोश्त, तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हमने जो है इसमें 100 ml ऑयल डाला है, और अब हम ये तेल गर्म हो रहा है, तेल गर्म होते ही हम इसमें पहले एक तेज़पात डालेंगे, तेज़पत्ता, और फिर प्याज डाल के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा तेल गरम हो चुका है और अभी हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। प्याज को हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है, मतलब इसमें फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगी तब आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये हमारी प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम मसाले इसमें मिलाते हैं। तो सबसे पहले तो हम मिलाएंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब हम इसमें जो है ये सिरी के पीसेस जो है गोश्त जो है वो हम ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो शामिल करते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक भी शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करते हैं, इससे खुशबू अच्छी आती है। वैसे बहुत अच्छी तरह से अभी मिक्स करना है। नाज़रीन, हमने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है और अभी ये मसाले जो हमें ऐसा ऐसा अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं। ज़बान के जो पीस होते हैं मोटे मोटे कटवाना है, और अगर आपके पास ज़बान जो है साबुत है, मतलब बकरे की ज़बान आपने लेकर आई है और वो कटी भी नहीं है, तो आप उसे आग पे भून के उसका ऊपर का जो है चमड़ा निकाल सकते हो, या अगर उसको वैसे भी आप बॉईल करोगे तो उसके बाद में भी उसका चमड़ा निकाल सकते हो। और अभी हमने जैसे शामिल किया है अच्छी तरह से धो के, तो जब हम सालन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे उसको निकाल देंगे, चमड़े को जो है हम निकाल देंगे और फिर प्याले में निकालेंगे, ताकि वो जो है खाने वाले के सामने जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है वो बोटी पहुँचे। अभी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और इसे 5-10 मिनट तक पके, ऐसे ही पकने देंगे, 10 मिनट तक पकने देते हैं ऐसे ही स्लो आंच पे ढक्कन लगा के, और 10 मिनट के बाद जो है आपको दिखाते हैं। तो इसका पानी जो है अभी निकलेगा और ये पानी छोड़ेगी, उसके बाद में हम थोड़ा उसको भूनेंगे, फिर
फिर आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये सालन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। दरमियान में 5 मिनट बाद हमने खोल के इसको थोड़ा चला लिया था और अभी जो है इसका पानी जो है सूख गया है और अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं और भूनने के बाद जो है इसमें हमने पानी गर्म पे रखा है, थोड़ा पानी ऐड करते हैं। ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है अभी पहले, क्योंकि हमको थोड़ा इसको अच्छे से भूनना है। ये प्याज जो है ये बिल्कुल गायब हो जानी चाहिए, यानी अच्छे से गल जानी चाहिए। थोड़ा पानी हम ऐड कर दें, गर्म पानी हमारे पास, ठंडा पानी आप कभी भी नहीं मिलाना, गर्म पानी ही डालना है। तो थोड़ा डालते हैं इसमें लहरमान ही, फिर से 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं उसको। बिल्कुल धीमी आँच पे पक रहा है ये और बहुत जितना स्लो पे और जितना धीरे धीरे पकेगा उतना ही सालन जो हमारा अच्छा बनेगा। ढक्कन लगाते हैं और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और 10 मिनट बाद आपको नाज़रीन ये पानी डाल के पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और अभी इसमें देखते हैं हम चम्मच चला के, पानी तो अभी है मौजूद है। प्याज थोड़ी गलना बाकी है, थोड़ा सा ऐसे भून लेते हैं हम और उसके बाद में फिर पानी ऐड करके। नाज़रीन ये हमने जो है भून लिया है और भून के रखा लगा के रख दिया था। अभी देखते हैं इसकी प्याज जो है अगर घुल गई होगी तो हम जो है इसमें पानी ऐड कर देंगे। प्याज नज़र नहीं आ रही है, एक ही बार में हमें पानी मिलाना है, बार बार पानी नहीं डालना है। और अभी जो है जितना शोरबा हमको चाहिए है और ये पकेगा भी तो तकरीबन 1 घंटा पकेगा क्योंकि जल्दी गलता नहीं है गोश्त। इसमें लहर मान रही और ये शोरबा जो है इसका थोड़ा सा पतला ही होता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता क्योंकि इसमें हड्डियाँ बहुत होती है तो तिरछी आती है, तो इसलिए जो है इसमें जो है वो शोरबा ज़्यादा ही रखा जाता है। तब इसको हम आराम से पकने देंगे, जो छाने देते हैं और उसको आराम से जो है तकरीबन 1 घंटा पकेगा। अगर ये जो है गोश्त गल गया, हमारी सीढ़ी गल गई तो हम आपको दिखाएंगे, वरना फिर और आधा घंटा 1.5 घंटे तक हम इसको पकाते हैं और दरमियान में अगर ज़रूरत लगी तो हम चला भी लेंगे। हम इसको पकने देते हैं 1 घंटा, उसके बाद आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये हमारी सीढ़ी को पकते हुए 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं। दरमियान में एक बार हमने इसे चला लिया था और अब ये बहुत अच्छे से गल गया है, जो गोश्त है इसका अच्छे से गल चुका है, आपको दिखा देते हैं। और शोरबा जो है अगर आपको चाहिए तो इस वक्त में हम थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं और गर्म पानी मिलाने के बाद में जितना शोरबा चाहिए, अभी इतना काफ़ी होगा हमारे लिए क्योंकि हम इसमें और शोरबा नहीं बढ़ाएंगे। बहुत अच्छे से गल गया जैसा चाहिए, अभी और गलाएंगे तो हड्डियाँ छोड़ देगा और सारे खाने में जो है वो किरिच आ जाएगी, तो इसके लिए भी हम और नहीं गलाएंगे इसको। और जो हमने गरम मसाला बताया था आपको, खड़ा गरम मसाला, वो हमने अभी पीस लिया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो अभी हम इसमें से 2 चम्मच डालते हैं। अगर चखेंगे, अगर और ज़रूरत हुई तो डालेंगे, क्योंकि गरम मसाला एक बार डाल दो तो फिर बाद में निकालते नहीं बनता है। एक ही बार में जितना आपको लगे वो आप डालो, उसके बाद में अंदाज़ा लेके फिर से डाल सकते हो। थोड़ा हरा धनिया भी इसमें हम शामिल कर देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं ताकि हमारा गरम मसाला जो है इसकी खुशबू अच्छी तरह से गोश्त में बस जाए और उसके बाद में आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अभी ढक के हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके छोड़ देते हैं। नाज़रीन ये सीढ़ी के सालन में हमने गरम मसाला और हरा धनिया डाल के और गैस की फ्लेम को ऑफ करके 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था और अभी ये बिल्कुल रेडी है। अभी हमें आप इसको हमें इसे अभी डिश आउट करना है, तो हम एक डिश में निकाल के दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत अच्छे से गल गया है ये। और ये सालन जो है आप रोटियों के साथ, नान के साथ या जवारी बाजरे की रोटी के साथ सर्व कर सकते हो, गेहूँ की रोटी के साथ में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है बच्चे, छोटे बच्चे वाली माएँ होती है उनको दिया जाता है ख़ास तौर पे, तो बच्चे के लिए दूध जो है वो बहुत अच्छा आता है और उनको ताकत भी मिलती है
और वैसे भी जो कमज़ोर है उसको थोड़ी सी मिर्ची इसमें कम डालें आप, और इस तरह से सालन तैयार करें। मिर्ची गरम मसाले कम डाल के आप बना सकते हो, और ये बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा खाना है। और इस तरह से भी आप बनाओगे तो ये जो है बहुत बेहतरीन सालन है, तो आप ये ज़रूर घर में अपने ट्राई करना। नाज़रीन, एक ज़बान का पीस हमने निकाला है और ये अच्छा गल गया है, तो आप जो है इस तरह से क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा इसका जो चमड़ा जो है वो निकालने के बाद में आप सालन में मिला के जो भी आप बच्चों को दे रहे हैं या बूढ़ों को दे रहे हैं या घर वालों को खाने के लिए दे रहे हैं, तो इस तरह से निकाल सकते हो। या अगर आप अगर पहले से उसको भून के निकालना चाहो तो पहले से भून के भी निकाल सकते हो, फिर बाद में धो के सालन में ऐड कर सकते हो। इस तरह से डाल दें आप सालन में, तो ये जो है आपका बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएगा, यानी खाने के दौरान में अच्छा लगेगा। तो ये एक आपको बता दिया हमने। अब जो है ये हमने डिश आउट कर लिया है सालन, इसे हम जो है हरे धनिया से गार्निश करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।